जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं रेडिएटर ग्रिल का, जो कि मैंने ऑर्डर किया था इंस्टाग्राम से। और इंस्टाग्राम में इनका प्रोफाइल है थ्रोटलर्स पिट स्टॉप, जो कि चेन्नई बेस्ड कंपनी क्या एक स्टोर है। तो वहीं से मैंने इसको ऑर्डर किया था। और जब मैंने इसका एक पिक्चर्स देखा तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगा था मेरे को, सो दैट्स वाई। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो प्राइस है दैट इज़ 1399 में मेरे को ये पड़ा है, और काफ़ी अच्छे प्राइस में है। और इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि क्या है इसके अंदर और क्यों है ये इतना स्पेशल और कम प्राइस में। जो डोमिनार लवर्स हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा पैकेज है। अगर आप लोगों को ऑर्डर करना रहेगा तो डेफिनेटली मैं जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से बाय कर सकते हैं। तो अभी अनबॉक्स करते हैं एंड लेट्स सी कि देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। सो गाइस, इनका इनवॉइस है ये, तो आप देख सकते हो 1400 में मेरे को ये पड़ा। एंड यस, काफ़ी अच्छा पैकेजिंग है इसका। और ये थ्रोटलर्स का पिट स्टॉप का एक स्टिकर है और की चेन है। और ये है डोमिनार 400 का रेडिएटर ग्रिल, काफ़ी ब्यूटीफुल। और ये मेटल का है एंड दिस इज़ ऑल्सो मेटल काइंड ऑफ, और सीएनसी कट है इसका। तो आप देख सकते हो डी कट जो है, एक डोमिनार का शेप अच्छा दिया है इन लोग ने। तो इसको इंस्टॉल करते हैं एंड देखते हैं कि कैसा लुक आता है इसका। सो गाइज, ये जो दो बोल्ट दिख रहे हैं आपको, तो हमें इनको ओपन करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको है ये 10mm का जो है स्पैनर लेना पड़ेगा। तो आप जो है इसको ईज़िली ऐसे रिमूव कर सकते हैं। बोथ साइड ऐसा सेम नट रहेगा, एक यहाँ पे है, शायद कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा रहेगा वहाँ पे, लेकिन मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ, सॉरी। तो ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत इजी है, आप घर पे जो है DIY खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं आप। और आप देखेंगे तो बहुत इजी है ये प्रोसीजर। सो गाइज, ये लॉक है, तो स्लाइटली इनको प्रेस करो अंदर को, बोथ साइड सेम ऐसा रहेगा, तो आपका जो है रेडिएटर का जो ये आगे का फ्रंट का जो प्लास्टिक का ग्रिल है, ये इजीली बाहर आ जाएगा। तो सेम आपको दूसरी साइड अपोजिट भी सेम रहेगा, जो है एलन की से ये बोल्ट जो है रिमूव करो दोनों साइड के, तो ये साइड पैनल जो है ईज़िली रिमूव हो जाते हैं बाहर को। ये सिंपल मेथड है, जो भाई लोग थोड़ा सा जिनको इशू आता है ओपन करने में, तो सिंपल आपने यहाँ से ओपन करना है। ये साइड पैनल ओपन हो गया, ये दोनों बोल्ट जो हैं आप ऐसे लगा दीजिए और आपका ये रिमूव हो गया ये। सो दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज, आप जो देख पा रहे हैं। बट एक छोटा सा इशू आ गया है, इसमें पैकिंग देना पड़ेगा, तो फ़िलहाल अभी मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने जो अनबॉक्सिंग किया था वो पेपर जो है फोल्ड करके पीछे डाल दिया है। बट पीछे वॉशर्स डालनी पड़ेंगी एंड उसके बाद जो है इसको टाई अप करना पड़ेगा। एंड अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप प्लास्टिक वाला पार्ट जो है उसको भी इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, बट मैं कुछ टाइम के लिए ऐसे ही नेकट जो है इसको रखूँगा। ये लोगो जो है काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और रेड कलर में है, तो काफ़ी दूर से विजुअल है ये। सो ऐसा ही लुक जो है मैं कुछ टाइम के लिए रखूँगा और इसके अंदर पैकिंग दूंगा। एंड आप देखेंगे यहाँ पे भी लूज़ है, तो जब मैं ऊपर अच्छे से पैकिंग कर दूंगा तो ये प्रॉपर फिट हो जाएगा। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। और बेसिकली ये सेफ्टी के लिए है रेडिएटर की, जो कि आप जब बाइक जो है आप एक अच्छे खासे स्पीड पर रहते हैं, तो फिर कोई स्टोन जो है हिट ना करे, और ये रेडिएटर फट गया एक बार तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते, और बाइक को आपको वहीं पे खड़ा करने या टो करना पड़ेगा। सो दैट्स द रीज़न गाइस, इसके लिए ये प्रोटेक्शन के लिए ही बेसिकली मेन है। सो गाइस, ये है आज के लिए, एंड नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी आ रहा है, तो वो किस पे रहेगा तो आगे देखते हैं। और मैं इसमें थोड़े थोड़े टाइम बाद कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करता रहूँगा, तो आप देख सकते हैं
कैसा लुक आ रहा है इसका। It's not a game, it's a rage thing.